Hey guys, welcome to my channel Style Classy. How are you all? तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फिनिक्स पलासियो मॉल, जो कि लखनऊ में शहीद पथ पर है. एंड आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना क्लासी लग रहा है. मतलब बहुत ही प्यारा सा था, जाके दिल खुश हो गया. बहुत अच्छा मॉल है. तो एंट्री यहाँ से होती है कुछ, यहाँ पे आपको गेट के पास सैनिटाइज़ करना होगा. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप वो चेक करते हैं, तो वो होना चाहिए. नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो. तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं. ये बेसमेंट है एक्चुअली, यहाँ पे कार वगैरह पार्किंग है, पार्क करके फिर जाते हैं. और ये सबसे पहले निकलते ही एक ब्यूटीफुल सा लुक व्यू आपको मिलता है. ऊपर कितना प्यारा सा, कितना बड़ा सा वो शैंडलर काइंड ऑफ लगा हुआ है, बहुत ही क्यूट है. यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे. फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हमें ये लाइफस्टाइल मिलेगा. एंड यहाँ पर आप देखो, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से फ्लोर पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी. लाइक रेस्टोरेंट कहाँ है, कौन सा ब्रांड कहाँ पे, कौन से फ्लोर पे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के आपके अकॉर्डिंग जा सकते हो. तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है ढूंढना चीज़ों को. एंड मैं यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स थे लाइफस्टाइल में, तो मैं शुगर का ये कुशन फाउंडेशन में ट्राई कर रही हूँ. एंड इस पर ऑफ़र चल रहा था, बाय टू गेट वन फ्री, तो मैंने दो चीज़ें ली हैं, एक फ्री में मिल गया. ईयर रिंग्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारे बैग्स भी थे, क्लचेस भी बहुत अच्छे थे, वॉलेट्स वगैरह. तो बैग्स ब्रांडेड भी अवेलेबल थे. एक कोई जिंजर ब्रांड था, बैगेट था. और फिर मैंने यहाँ पे शुगर के दो लिप कलर ख़रीदे हैं. आप देख सकते हो वो ट्राई वगैरह कर रहे हैं मेरे लिप्स पे. तो यहाँ पे आप देखो, ये बाय टू गेट वन ऑफ़र है. तो मैंने कुछ 2100 की शॉपिंग करी. फिर आप ये देखो, ऊपर से व्यू बहुत ही प्यारा है. ट्रीज़ वगैरह कितने प्यारे लग रहे हैं. ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी, लाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. एंड सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं. मतलब आप देखो यहाँ पे ये मार्क्स एंड स्पेंसर है. लखनऊ में जो ब्रांड्स नहीं थे वो ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो. बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही क्यूट सा मॉल है. सेल्स वगैरह भी थे, बट फिर भी कॉस्टली तो पड़ता ही है. बाटा भी है, बहुत सारे शोरूम्स. यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था फुटवेयर का. और ये एक जगह थी, वहाँ पे कुछ पासिंग करके कुछ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. इतनी प्यारी लाइटिंग थी, मतलब बहुत ही प्यारी लाइटिंग कर रखी थी. हे गाइस, तो ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैंने आपको दिखा दिया कैसा लग रहा है. बहुत ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है. यहाँ से बाहर निकलने के बाद अभी ये कुछ बहुत लंबा है, आप देखो मेरे पीछे वहां तक है. बहुत ही बड़ा मॉल है. आपको घूमने के लिए बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है, बहुत सारे घंटे होने चाहिए आपके पास. एटलीस्ट 3-4 घंटे तो होने ही चाहिए अगर आप शॉपिंग वगैरह सब कर रहे हो. लेंस कार्ट भी है यहाँ पे, हालांकि मैं गई नहीं वहाँ पे, मुझे ज़रूरत नहीं थी. ये कैंडी हाउस ऑफ कैंडी है, यहाँ पे कैंडीज़ वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी. 99 मार्केट है. फिर खाने वगैरह का ये थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड पर भी है, ग्राउंड पर भी है. मैं थर्ड फ्लोर पे गई थी, वहाँ पे डोमिनोज़ है, आप देख सकते हो, वाओ है, काफ़ी कुछ है. सिटिंग अरेंजमेंट भी ठीक ठाक है, हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से थी, तो खाना भी टेस्टी था. ये बच्चों का कुछ प्ले स्टेशन है, जो कि अभी शायद कोरोना की वजह से बंद चल रहा है. ये 99 मार्केट है, बट यहाँ पे कुछ भी 99 का अवेलेबल नहीं है. आप अगर 99 मार्केट सोच के जाओगे तो आपको कुछ भी 99 का मिलेगा नहीं. और ये है फीमेल टॉयलेट, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए. तो ये है टॉयलेट. एंड यहाँ पे कुछ टॉयज़ वगैरह हैं. ये 99 मार्केट का ही है, बट 99 में कुछ भी नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, कुछ बहुत गंदा सा मिलेगा. फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कलर एसेंस है, इबादत है, श्री है. आपको एथनिक वियर का बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा. मैंने जाते जाते ही देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था. सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब दिल खुश हो जाएगा आप वहाँ पे जाओगे. हेमलेस है, पैंटलूंस है, आप देखते जाओ, सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं. इवन लखनऊ में H&M एंड मेरे ख्याल से होम सेंटर शायद नहीं था, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है. एटिकेट है, एथनिक वेयर का तो बहुत अच्छा कलेक्शन था. वहाँ पे मीना बाज़ार आप देख रहे हो, वो भी है. बहुत अच्छे से इंटीरियर इन लोगों ने बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब ऐसा लगता है ना आप कहीं किसी रॉयल जगह पर आए हो, कोई क्लासी सी जगह पर आए हो.
KFC भी है अवेलेबल, देन पिज़्ज़ा हट भी वहीं पर है। ये ऊपर से व्यू है, और इस तरह का डेकोरेशन जो इन्होंने कर रखा है ना, वो मॉल में अलग अलग जगह पे अच्छे से कर रखा है। ये ऑरेलिया, यहाँ पे मैंने एक ड्रेस यहाँ से परचेस करा है, एथनिक वेयर ये सूट काइंड ऑफ है, वाइट कलर में। तो आप देखते जाओ कितने सारे ब्रांड्स हैं। मैंने एक एक मतलब फ्लोर पे जाकर के मैंने एक एक शॉप का वीडियो बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैन ह्यूसन का इंटीमेट्स है, आपको अंडरगारमेंट्स चाहिए हो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। इनमोर है, काफ़ी कुछ है। अगर आप शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं भी जा रहे हो, अगर आप सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो भी आप जा सकते हो। ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। वेस्ट साइड भी अवेलेबल है। ये फिर से मैंने ऊपर से व्यू दिखाया है ताकि आप लोग देख सको, ट्रीज़ वगैरह कितने क्यूट लग रहे हैं। सारे फेक ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर। हेडसअप वाले में आपको डॉग्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा अगर आप डॉग लवर हैं। रात में मैंने ये बाहर से कुछ वीडियो लिया है ताकि आप देख सको रात में इसका व्यू कैसा होता है। बहुत सारे लोग हैं कोरोना का, किसी को भी कोई फिक्र नहीं है, सब घूमने जा रहे हैं, सब अच्छे से इकट्ठा हो रहे हैं लोग, हालाँकि ध्यान रख रहे हैं लोग। फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो इस मॉल पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो बाय।